हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आमतौर पर ये प्राइस लिखी हुई है और प्राइस इसे मैं करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ से करेंसी कर दूंगा, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ का भी फॉर्मेट मैं करेंसी ही रख देता हूँ, हालांकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये करेंसी ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे और देन यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे तो ये रिजल्ट निकल करके आता है हमारे पास। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर ना करके एक फॉर्मूला है एरे का। अब ये एरे का फॉर्मूला ही है, अब इसको कैसे करेंगे, इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहीं पर हमारा आने वाला है आंसर। सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे इक्वल्स टू लगाइए क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू से ही शुरू होता है। और ये करने के बाद आपको ये पूरा हिस्सा यानी B2 से लेकर B8 तक सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहीं पर तो हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है और मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, तो C2 से लेकर C8 तक सेलेक्ट कर जाइए। और रुकिए, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, सीधा एंटर नहीं प्रेस करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है।